खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां महिला कांग्रेस सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष बिल्किस चौधरी का आजादी गौरव यात्रा में कई सौ किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद मुजफ्फरनगर आगमन हुआ है। बिल्किस चौधरी का जिले के कांग्रेस जनों द्वारा कांग्रेस पार्टी के झांसी की रानी स्थित कैंप कार्यालय पर भारी स्वागत किया गया। बिल्किस ने आजादी गौरव यात्रा के बारे में संक्षेप में बताया कि जिस तरह गांधी ने 12 अप्रैल को नमक आंदोलन के दौरान पैदल यात्रा की थी और देशवासियों को एक साथ जोड़ने का काम किया था, उसी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस पार्टी ने सभी देशवासियों को इस आजादी गौरव यात्रा के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि देश को एकजुट होने के आह्वान के साथ ये आजादी गौरव यात्रा का समापन 1 जून को राजघाट पर होगा। इस दौरान स्वागत करने वाले मुख्य लोगों में हरेंद्र त्यागी, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश पुंडीर, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अनित चौधरी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष रविंद्र बालियान समेत 12 से अधिक कांग्रेसी उपस्थित रहे। 12 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से नमक आंदोलन शुरू किया था। उसमें गांधी जी को मिलाकर 78 लोग उस यात्रा में शामिल थे और 6 अप्रैल को वहां पर उन्होंने समापन किया था। हम लोगों ने, क्योंकि आज़ादी का 75वां साल है, 75वीं हम वर्षगांठ बना रहे हैं, तो हम 75 लोग 6 अप्रैल से साबरमती से चले हैं और राजघाट तक हम इस यात्रा को, आज़ादी गौरव यात्रा हमने इसको नाम दिया है, हम लोग चल रहे हैं पैदल लगातार 75 लोग, और 100 लोग हमारे साथ रिजर्व में रहते हैं, आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। इसमें पूरे देश से लोग जुड़े हुए हैं, हर स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं और इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि ये आज़ादी गौरव यात्रा है, ये हमारे लिए, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हम नहीं थे, शायद ऊपर वाले ने हमें ये दूसरा मौका दिया है कि हम अपने देश के लिए पैदल चलकर इस यात्रा को कंप्लीट करें। तो हम ये लोग 1 जून को हम लोग राजघाट पे ये यात्रा का समापन करेंगे। इसमें मैं लगातार चल रही हूँ, अभी मैं कल इस यात्रा से लौटी हूँ, मैं फिर 25 तारीख को इस यात्रा में फिर जुड़ जाऊंगी। कहां से ये यात्रा शुरू हुई है, कहां पर खत्म होगी? अहमदाबाद साबरमती से ये 6 अप्रैल को शुरू हुई है और 1 जून को ये राजघाट दिल्ली में इसका समापन होगा।